हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिना कंसीलर के भी हम बहुत आसानी से डार्क स्पॉट्स और डार्क सर्कल को हाइड कर सकते हैं, घर पे खुद से कंसीलर बना सकते हैं, वो भी फुल कवरेज कंसीलर। तो अब आगे का मेकअप स्टार्ट करते हैं। उनके पास ब्लश नहीं है तो वो रेड लिपस्टिक ले सकते हैं, पिंक लिपस्टिक ले सकते हैं, जो उन्हें अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटू सी लिपस्टिक, तो मैं इसी से आपको करके दिखाती हूँ। ब्लश देखिए इस तरह से मैं लगाऊंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो इस वजह से मेरे को वॉइस ओवर करना पड़ा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ली है रेड लिपस्टिक, और आपको जो कलर चाहिए आप वो ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, पीच ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और अब देखिए, मैं इसको फिंगर की हेल्प से इस तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल हल्के हाथ से ब्लेंड करना है आपको, देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, ये मैं बिगनर्स के लिए कर रही हूँ कि जिनके पास पूरा सामान नहीं होता है वो भी ईजिली मेकअप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये ब्लेंड कर लिया है, देखिए बिल्कुल लग भी नहीं रहा, लगता भी नहीं है कि हमने लिपस्टिक से ब्लश लगाया है। ये देखिए, मैं खुद से कई बार इस तरह से ही ब्लश लगाती हूँ लिपस्टिक की हेल्प से। देखो इस तरह से आपको बता रही हूँ कि अगर आपके पास प्रोडक्ट हो तो आप कैसे करें, और प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, कौन सी लिपस्टिक मैं नोज़ पर लगा रही हूँ। नोज़ पर ऐसे लगा रही हूँ कि बिल्कुल नेचुरल लुक चाहिए, बिल्कुल वाइट वाइट फेस हो जाता तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नोज़ पर लगा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा लुक आ गया है। तो बस इतना करना है, इसके बाद सेटिंग की बात आती है कि हम अपने मेकअप को फिक्स किससे करें, फेस पाउडर से जो नॉर्मली फेस पाउडर आते हैं उनसे करें या फिर लूज पाउडर से करें। तो आप चाहें तो ये लूज पाउडर भी ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास लूज पाउडर नहीं है तो आपके पास कोई भी जैसे बेबी पाउडर होता है आप वो ले सकते हैं, कोई भी जो आपके पास पाउडर अवेलेबल हो आप उससे अपना मेकअप फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ वाइट टोन का पाउडर, क्योंकि मेरे को अभी ये नहीं दिखाना है, क्योंकि जो बिगनर्स हैं जिनको जिन्हें अभी मेकअप करना नहीं आता है उनके पास पूरा सामान नहीं होता है, तो इसलिए मैं वो यूज़ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसको यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले अंडर आई पर लगा लूँगी मैं, यहाँ पर हमने कंसीलर लगाया था तो इसको सेट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद आपको कहाँ लगाना है, सबसे पहले इस तरह से लगाएंगे ताकि आपको कॉन्टोरिंग की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इससे करके लुक काफ़ी अच्छा लगता है फेस का, बिल्कुल तो थोड़ा सा पाउडर लिया था, देखिए इतना बचा है, बिल्कुल तो थोड़ा सा बचा है, इसी से मैं अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ। याद रखें फेस को भी डेवलप करके ही सेट करें, इससे क्या होगा आपका ब्लश भी सेट हो जाएगा, फेस भी अच्छे से सेट हो जाएगा। लग पर लगा लूँगी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा पाउडर लिया था और ये ख़त्म भी हो गया, और मेरा पूरा फेस भी इतने से पाउडर से मैंने पूरा फेस को अपना फिक्स कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसको हल्के हल्के हाथ से देखिए हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का मेरा बेस बन गया है, ठीक है। अब ब्लश के बाद हमें क्या करना है,
आप चाहे तो आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, लेकिन अब बात आई है कि अगर कॉन्टोरिंग पहले ही ना हो तो हम क्या करें। तो सिंपल सा आप एक काम कर सकते हैं, तो आईब्रो फिल करने के लिए नॉर्मली पैलेट सबके पास होती हैं, मेरे पास भी शुरू में यही थी, मेरे पास आई शेडो पैलेट नहीं थी, मैंने आई शेडो पैलेट कुछ टाइम पहले ही ली है, तो इसमें से आप ले सकते हैं। और अगर आई शेडो पैलेट अगर आपके पास है तो आप आई शेडो पैलेट ले सकते हैं, और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो भी मैं आपको एक ऑप्शन बता देती हूँ। ये देखिए मैंने लिपस्टिक से आपको ब्लश लगा के उसकी ब्लश दिखाया था, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर की लिपस्टिक, ये देखिए लिपस्टिक भी है, तो इससे कॉन्टोरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा ले रही हूँ, देख रहे हैं, बस मैं यहीं पर लूँगी, ठीक है, ज़्यादा नहीं लूँगी। इसके बाद तो फिंगर के टिप्स से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो इस तरह से करें, इस तरह से करें, आपको इस तरह का लुक मिल जाएगा। इसको सेट करने के आपको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट वगैरह कुछ ले रहे हैं जो मैंने दिया है, हो गया सेट, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसी तरह से मैं इसको कर लूँ। ये देखिए अच्छा से हो गया है, इधर से भी हो गया है और इधर से भी हो गया है, तो देखिए मेरा फेस यहाँ से स्लिम लग रहा है काफ़ी, ठीक है। तो अब इसके बाद बारी आती है आईब्रो फिल करने की, तो आईब्रो फिल करने के लिए मैं यही वाली पैलेट लूँगी जो मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है, और अगर आपके पास आईब्रो पैलेट नहीं है तो नॉर्मली ये वाली पेंसिल सबके पास होती है, तो सबसे पहले नीचे से शुरू करेंगे, याद रखना है कि आप बाहर ना निकले, जो आपकी नेचुरल शेप है उसी पे आपको पेंसिल ड्रॉ करनी है, ठीक है, इस तरह से। देखिए अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का होगा, अगर आप मतलब अच्छे से कर सकते हैं तो आप पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पेंसिल इतना अच्छा नहीं लगता है, बहुत कम यूज़ करती हूँ मैं पेंसिल, में तब यूज़ करती हूँ जब मेरे को हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है, थ्रेडिंग नहीं बना पाती तब मैं यूज़ करती हूँ, और वो भी किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपको आज बता देती हूँ। जैसे मैंने पहले पेंसिल यूज़ करी है, ठीक है, उसके बाद मैं ये वाले पैलेट से ये ले लेती हूँ, और इसके बाद में ऊपर से इसको फिल करती हूँ। तो ये देखिए पहले पेंसिल से पहले में क्या फर्क था, और अभी मैंने पाउडर जब ये वाला प्रोडक्ट अप्लाई किया तो ये इससे कितना अच्छा लगा है, तो बस इसीलिए मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। तो मैं इसको भी पहले पेंसिल से फिल कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए, जो स्टेप को दिखाने के लिए, तो ये देखिए मैंने ये कर लिया है, ठीक है, अब इसके बाद जो थोड़ा बहुत फॉल आउट है उसको मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा अगर आपसे यहाँ की शेप ख़राब हो जाती है तो मेरी ठीक है बिल्कुल, लेकिन अगर आपसे ख़राब हो जाती है तो आप किस तरह से उसको ठीक कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से रगड़ेंगे तो आपका बेस ख़राब हो सकता है, तो इसके लिए आपको कुछ लेना है, जैसे आपको कंसीलर लेना है और इस तरह से आपको करना है, देखिए
अच्छे से करना है और फिंगर की हेल्प से इसको इस तरह से ब्लेंड करना है। दैट्स इट, हो गया। तो अब मैं करूँगी आई मेकअप। अब आई मेकअप ये भी मैं कुछ यूज़ नहीं करूँगी, ठीक है। तो मैं यही वाली लिपस्टिक लूँगी और इसको थोड़ा सा लीड लगा लूँगी अपनी। मैं ये उनके लिए कर रही हूँ जिनके पास बिल्कुल सामान नहीं होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरह से कर सकते हैं मेकअप। ब्रश की हेल्प नहीं लूँगी मैं, फिंगर से ही आपको करके दिखाऊंगी। तो पहले मैंने क्या किया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई, फिर इस वाली फिंगर से मैंने ब्लेंड कर लिया और फिर उसके बाद मैंने फिंगर्स को देखो वॉश लिया है। आपको क्लीन कर लेना है फिंगर को, देखिए क्लीन करनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस तरह से ब्लेंड करना है, इस तरह से, इस तरह से। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से आपको लगेगा। तो देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ठीक है। दूसरी साइड भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इस तरह से पहले इसको ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से ब्लेंड कर लेना है, फिंगर को क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको ऊपर से ब्लेंड करना है। तो देखिए दोनों आइज में मेरा ये हो गया है, ठीक है। अब बारी आती है कि मैं, अगर आपको तो अपनी आँखें और ज़्यादा सुंदर दिखानी है और आपके पास ब्रश वगैरह नहीं है तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिपस्टिक में इस तरह की शेप होती है, देखते हैं आप, इस तरह की शेप होती है। तो यहाँ पर से जो हम ड्रॉ करते हैं तो बारीक सी लाइन ड्रॉ होती है, तो उससे ही मैं यहाँ लगा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी सी इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं लिपस्टिक यहाँ पर लगा रही हूँ। बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी लगानी है आपको। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले सकते हैं। पर अब मैं फिंगर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर रही हूँ इस तरह से। देखिए ये देखिए हो गया है ब्लेंड। अब इस साइड भी मैं इजली इसको ब्लेंड कर रही हूँ। ये देखिए हो गया है। अब इसके बाद मैं लूँगी काजल। तो काजल तो नॉर्मली सबके पास होता ही है, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ एलियटिंग की काजल। इसको मैं लगा लूँगी। देखिए मैंने काजल लगा लिया है, ठीक है। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर लाइनर। तो बिल्कुल सिंपल से लाइनर ड्रॉ करूँगी क्योंकि बिगनर्स के लिए है, तो मैं बिल्कुल भी टफ नहीं बताऊंगी। सिंपल से मैंने लाइनर ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है लिपस्टिक की कि हम लिपस्टिक को कैसे अच्छी सी शेप दे सकते हैं, ठीक है। कभी क्या होता है कि लिपस्टिक बाहर निकल जाती है, ऊपर नीचे होट हो जाते हैं, लिपस्टिक हमारी फैल जाती है, तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये लिप लाइनर, ठीक है। और इससे क्या करेंगे, अपने लिप्स का शेप बना लूँगी। तो जो मेरा नेचुरल शेप है मैं उसी पर जाऊँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। जो आपके लिप्स की नेचुरल शेप है आप उसी पे लिप लाइनर ड्रॉ करें। देखिए इस तरह से कर रही हूँ मैं। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, ठीक है। मैं सस्ती वाली लिपस्टिक दिखा रही हूँ, ये आपको 20-30 रुपये में मिल जाती है। मैं इसी से आपको बताऊँगी, अगर हम इस
इसको डायरेक्ट ऐसे अप्लाई करेंगे तो उसे परफेक्ट शेप नहीं आ पाती, ठीक है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं लगा पाती, तो मेरे पास ये छोटा सा ब्रश, ठीक है, अच्छा छोटा सा ब्रश है मेरे पास, तो मैं इससे क्या करूँगी, इससे लिपस्टिक लूँगी और अब मैं इसको फिल कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अपने लिप्स आउटलाइन किए थे, मैं उसके अंदर अंदर ही लिपस्टिक लगा रही हूँ। अच्छे से अपने लिप्स को मैं फिल कर लूँगी। ये देखिए, तो मेरी लिपस्टिक भी मैंने लगा ली है। अब अगर आपका मन करे तो आप मस्कारा लगा सकते हैं, अगर आपके पास मस्कारा नहीं तो उसके लिए मैं आपको लगा देती हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, लाइनर लेना है। अब मैं इसको फिंगर पर ले रही हूँ इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस तरह से देखूँगी, ठीक है, और मैं फिंगर से इस तरह से लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मस्कारा लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि बिल्कुल कम सामान में मैंने ये कैसे मेकअप लुक किया है। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेकअप ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि मैं किस टाइप का मेकअप लेके आऊँ। आज के लिए बस इतना ही, और आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।